तो आज की जो वीडियो है, आज का हमारा प्रोडक्ट है, वो एक है हाइलाइटर। तो दोस्तों, आप लोगों में से किसी सब्सक्राइबर ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि उन्होंने स्ट्रक्स का हाइलाइटर अपने बालों पे अप्लाई किया, देन वो चढ़ा नहीं, या फिर वो आपके बालों पे उसने कलर या फिर रिजल्ट नहीं दिया। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन रीजन ये है कि आप इसमें, पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी पैकेजिंग के बारे में, आपसे हम लोग कर लेते हैं बात। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन को ऑन करिएगा। इससे होगा क्या, जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आएगी। प्लस अगर आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते हैं और आपको रिप्लाई चाहिए तो आपको रिप्लाई भी मिल जाया करेगा नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, ये है हाइलाइटर। तो इसमें दो टाइप के आते हैं। ये तो है भाई सॉफ्ट ब्लॉन्ड नंबर वन, एक आता है नंबर टू। दोस्तों, जब आप जाए किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाए या फिर किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाए या कहीं भी परचून या पनवारी की दुकान पे जाए, जहां पे ये चीजें मिलती हैं, तो पहले जाके आप अपना देख लें। और यहाँ पे जो जिस तरह के इसके हेयर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, दूसरे बॉक्स में भी सेम इसी टाइप के होते हैं, लेकिन उसके जो कलर्स हैं वो अलग होते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइप का लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और कर लेते हैं थोड़ी बहुत पैकेजिंग की बात। तो आप लोग MRP देख सकते हैं, 130 रुपए की जो है इसकी MRP है, 130 MRP है। और इसमें जितना क्वालिटी है, क्वांटिटी जितनी भी इसकी है, तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स भी दिए गए हुए हैं और किस तरह यूज करना है सारी चीजें दी हुई हैं। और पीछे करते हैं हाउ टू यूज। तो यहाँ पे आपको चार स्टेप बताए गए हैं कि आपको क्या करना है, किन किन। सबसे पहले आप लोगों को अपने जो बाल हैं जिनको हाईलाइट आप करना चाहते हैं उनको अलग कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर ये आप घर में कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी बाहर पार्लर में करवा रहे हैं, किसी अगर आप पार्लर में करवा रहे हैं तो काफी अच्छे सैलून में ही करवाइएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग नए सैलून खोलते हैं वो आपका ढंग से नहीं करते, वो कलर की तरह कर देते हैं, जो कि काफी भद्दा लगता है, भूरे भूरे बाल, जो कि आप भी जब देखेंगे, क्योंकि आपकी जो मतलब कि ख्वाहिश है, आपकी डिमांड है कि इस तरीके के आपको बाल चाहिए, आपको हेयर्स हैं, आपके हेयर इस तरीके से आने चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हेयर नहीं ला पाते हैं सभी लोग, और घर में नहीं, घर में आप लोग ला सकते हैं, घर में आपको टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, घर में आप ला सकते हैं। उसके ऊपर वीडियो में अलग से बनाऊंगा किन किन चीजों को यूज करना पड़ते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो काफी हेयर कलर की एसेसरीज मिल जाएंगी। एक होता है आपकी हेयर सीज, आपको आपके बालों के ऊपर पहनना होता है, और सुई होती है, सुई से आपको हल्के जिन जिन बालों को हाईलाइट करना होता है उससे आप निकाल सकते हैं। इसको आप चाहें तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आपको इसके लिए दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, नंबर वन आप खुद, और नंबर टू जो आपके बालों को हाईलाइट करेगा। आप कोई भी पॉलिथीन लीजिएगा, लेकिन 50 माइक्रोन के ऊपर लीजिएगा, 50 माइक्रोन के नीचे की पॉलिथीन बंद भी हो चुकी हैं और वो यूजफुल भी नहीं होती हैं। 50 माइक्रोन के ऊपर की पॉलिथीन होगी तो थोड़ी मोटी होगी, हार्ड लेयर होगी, तो उसमें आप लोगों को कर लेना है पिन। कम से कम आप 10-15 जगह, जितनी जगह आपको अपना जितनी लट्टे बालों की जितनी भी हाईलाइट चाहिए तो उसमें पिन कर लीजिएगा। पिन गैपिंग पे कीजिएगा, दो दो फिंगर की गैपिंग पे कीजिएगा, या फिर एक एक फिंगर की गैपिंग पे कीजिएगा, ज्यादा गैपिंग पे मत करिएगा, ठीक है। तो आप लोग या फिर करिएगा तीन फिंगर पे की गैपिंग पे आप लोग आराम से कर सकते हो। तो उससे आप पिन से आप निकाल लीजिएगा एक, और देन जब आप पूरा निकाल लेंगे और जो पॉलीथीन होगी वो आपके नीचे हो जाएगी और आपके जो बाल हैं वो ऊपर हो जाएंगे, फिर आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फिर आपको जिस तरह इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स दिए उनको मिक्स करना है, देन उसको अप्लाई करना है। और अप्लाई किस तरीके से करना है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे किस तरह से आपको मिलाना है, कितनी देर रखना है, कितनी देर सुखाना और किस तरह आपके बालों को वॉश करना है, सब कुछ लिखा होगा। तो ये मैंने हम लोगों ने बात कर ली कि किस तरह यूज करना था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप से ये दिखता है, किस टाइप से नहीं। फिलहाल मुझको पहले यही अनबॉक्सिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद आपको बताना चाहिए था कि कैसे यूज करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। दोस्तों, कुछ इस तरह का कंटेनर आता है, काफी देखने में काफी अच्छा लगता है। बचपन में हम लोग नाव बनाया करते थे कागज की, तब ये शायद चलता नहीं था, अगर चलता होता तो इससे की हम लोगों में अच्छी खासी नाव बन जाती। तो काफी अच्छा बॉक्स है, क्वालिटी काफी अच्छी है, आपकी चीजें रखने के लिए भी आएगी। तो दोस्तों, ये लीजिए, ये है शैम्पू आपके बाल को वॉश करने के लिए। देन जब आप कलर करेंगे इस पे और उसको जब सूख जाएंगे, जब आपको रिमूव करना होगा, तो उसके लिए आप ये धुलने के लिए, वॉश करने के लिए इन शैम्पू और कंडीशनर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों सॉरी, मैं आपको शैम्पू बोल गया, ये कंडीशनर ही है, चारों कंडीशनर ही हैं, कंपनी ने दे रखे हैं। और ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ग्लव्स जरूरी होता है। आपकी स्किन किस टाइप की है, सेंसिटिव ड्राई है, प्लीज ग्लव्स का यूज करिएगा कलर करते हुए। अगर आप घर में कलर कर रहे हैं तो बिना ग्लव्स के कलर मत कीजिएगा, जो कि आपके लिए काफी
खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्किन अपनी बॉडी का, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है। और दोस्तों आपको ये मिल जाता है यहाँ पे, कलर करने में ये काफी अच्छा रहेगा, आपके बालों को अच्छा खासा शेप देगा। और ये मिल जाते हैं इसमें पाउडर, ब्लॉन्डर एक ये पाउडर है, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक ये अच्छी खासी यूजर ग्राइड। तो आपको जरूरत नहीं, अगर आप घर में करना चाहते हो तो मैं तो चाहूंगा ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और ये है आपके जो मिक्स करना है वो इसमें मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इस चीज को आप आसानी से पढ़िएगा। सारी चीजें इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं, और थोड़ा वक्त लगेगा दो लोगों के लिए, आप अकेले मत कीजिएगा, किसी भाई बहन के साथ मतलब कि उसकी हेल्प ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लुक तब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा, शेयर इसलिए कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है कि आपको कहाँ करना चाहिए, क्योंकि 130 रुपए आपके बर्बाद हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर आप लोगों का विश्वास भी उड़ जाएगा कि भाई कुछ नहीं होता है, इससे बड़े कलर ही ले लो, डायरेक्ट लपेट लो, थोप लो ना। तो अलग चीजें कलर और हाइलाइटर दोनों अलग चीज होती है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और भी कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट में करके आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक की थी, आप वीडियो को आप छोड़ के जा सकते हैं, और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब ले बाय, टेक केयर।